IBNI न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पिछले दिनों शुक्रवारिया हाट में कपड़े की दुकान में आग लगाने के मामले में आरोपी अरबाज को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया। वही मामले में साजिशकर्ता इकबाल साहनी के खिलाफ भी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सिटी कोतवाली TI दीपक सिंह यादव ने बताया कि आग लगाने के CCTV फुटेज के आधार पर और मामले की जांच के बाद अरबाज को अरेस्ट किया गया। दरअसल इकबाल साहनी के अरबाज से कुछ पैसे लेने बाकी थे, उसी रकम की माफी के एवज में अरबाज ने उक्त घटना को अंजाम दिया। कोतवाली TI ने यह भी बताया कि अभी मामले में एक आरोपी अरबाज को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इकबाल साहनी अभी फरार है। इकबाल की गिरफ्तारी के बाद मामले में और भी साजिशकर्ताओं का हाथ होने की आशंका भी पुलिस ने जताई है। दिनांक 10-11 की रात्रि में 3:30 बजे लगभग एक व्यक्ति CCTV फुटेज में दिख रहा था कि घर में एक दुकान में कपड़ों की दुकान में आग लगा रहा था, जिसकी अपने प्रार्थी द्वारा दिनांक 11 तारीख को FIR दर्ज कराई गई थी अज्ञात आरोपी के खिलाफ, जिसमें हमारे द्वारा CCTV फुटेज में एक टीम लगाई गई थी और थोड़ा एक अन्य पूछताछ के लिए जो उनका पूर्व में विवाद हुआ था प्रार्थी का, जिसके घर में आग लगाई जिसकी दुकान में आग लगाई थी उससे विवाद हुआ था, उनसे पूछताछ के लिए एक टीम लगाई गई थी, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि CCTV फुटेज से कि अरबाज नाम के आरोपी जो खारी बावड़ी का है, उसको इकबाल साहनी के द्वारा उधारी के पैसे माफ़ करने के एवज में उसको कहा गया था कि तुम उसके जो विरोधी है उसे परवेज से दुकान में आग लगा दो तो उसकी उधारी माफ़ कर देगा। तो अरबाज ने जाकर पेट्रोल लेकर वहाँ पर आग लगा दी। सर, अरबाज पे पुराना भी एक मामला दर्ज है। अरबाज पे मारपीट, अवैध हथियार रखना और जुए सट्टे के लगभग 9 प्रकरण दर्ज है। सर, दोनों आरोपियों में से कितना आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी वर्तमान में अरबाज की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी इकबाल साहनी की गिरफ्तारी शेष है, अभी इकबाल साहनी से पूछताछ में अन्य आरोपी भी बढ़ सकते हैं। ठीक सर।